हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम आल्सो गुड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। इस वीडियो के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बनाई है, बट फ्रेंड्स किसी से बात नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली थैंक्स टू देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हमारे साथ में, और उनकी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में कैसे प्रमोशन और ट्रांसफ़र एस्पेक्ट होते हैं, जॉब लोकेशन क्या होगी, क्या ये प्रॉपर दिल्ली रहेगी या फिर स्टेट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं किसी वीडियो पे। लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, और भाई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहेगा आपके लिए। तो चलिए फालतू की बात नहीं करते हैं, ज़्यादा पकाते नहीं हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जिसका हेड क्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पीएसपी डिवीज़न में है, यानी कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम डिवीज़न में है। फ्रेंड्स, ये जो डिपार्टमेंट है रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के लिए, ऑफिशियल पासपोर्ट्स के लिए और वीज़ा पॉलिसीज के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट की जॉब लोकेशन के बारे में, कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी। इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके अलावा पूरे इंडिया में इसके 40 के करीब ऑफिस हैं। उन सब में से आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपार्टमेंट स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगता है, आपका सिलेक्शन होने के बाद में खुद से डिसाइड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी। तो पोस्टिंग के लिए आप बोल सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में जब आप सेलेक्ट होते हैं और अगर आपको मिलता है हेड क्वार्टर यानी कि पीएसपी डिवीज़न, तो वहां पे आपको काम करना होगा एडमिन से रिलेटेड, यानी कि जो बाकी की ऑफिस हैं उनकी रिपोर्ट्स और रिटर्न्स के रिगार्डिंग आपको मेनली काम करने को मिलेगा। उसके अलावा आपको जो पॉलिसीज हैं और जो पासपोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड फाइल्स मेंटेन करनी होगी, और बाकी के लेटर्स और डिस्पैच का काम आपको करना होगा। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो टोटली डेस्क जॉब होगा फ्रेंड्स। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 से 6 का होगा, 5 डेज ऑफिस होगा, और जहाँ पर भी सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस की ऑफिस होती हैं वो एरिया काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एक अच्छे लोकेशन पे आपको काम करना होगा, ये थोड़ा सा अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रमोशन, उसके बारे में। इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो ग्रेड पे 1900 पे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 19,900। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका पहला प्रमोशन होगा लगभग 8 साल के बाद में ग्रेड पे 2400 पे यूडीसी की पोस्ट पे, और यूडीसी की 8 से 10 साल के बाद में, ये डिपेंड करता है टोटली की वैकेंसी कितनी हो रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, उसे एएसओ या फिर सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करें एलडीसी से यूडीसी के लिए, तो 5 साल के बाद में एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है यूडीसी के लिए, बट ये टोटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर और वैकेंसीज के ऊपर कि कितनी वैकेंसी आ रही है। तो फ्रेंड्स, रूल ये है कि जितनी भी वैकेंसी अराइज होती है, मान लो जब आपकी 5 साल कंप्लीट होती हैं और 500 वैकेंसी है, तो उसके 25% वो लेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से, यानी कि 125 वो लेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से, और बाकी की जो 375 वैकेंसी हैं वो फिल करेंगे वो सीनियरिटी बेसिस पे, जिनके 8 साल कंप्लीट हो गए होंगे वहाँ से वो वैकेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी हुई है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेंगे कि नहीं लेंगे, ये टोटली इंटरनल पॉलिसी होती है। तो फ्रेंड्स, यूडीसी के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, जिसकी ग्रेड पे होती है 4200। तो फ्रेंड्स, इस प्रमोशन को अगर रेगुलर सर्विस से आप इस प्रमोशन पे जाएंगे तो लगभग 8 से 10 साल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपको रेगुलर 5 साल होने चाहिए यूडीसी की ग्रेड में, और
प्लस आप ग्रेजुएट कैंडिडेट होने चाहिए। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप ग्रेजुएशन ज़रूर से कंप्लीट कर लें। और अगर आपकी ग्रेजुएशन अधूरी है, मतलब या तो आप फर्स्ट ईयर पूरी कर चुके हैं या सेकेंड ईयर पूरी कर चुके हैं, तो जो बाकी की बची हुई पढ़ाई है वो आप प्राइवेट स्ट्रीम से करें, रेगुलर ना करें, और डिपार्टमेंट को प्रॉपर इंटीमेट करें और पहले से उस परमिशन लें। नहीं तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा और कई सारे प्रमोशन और बेनिफिट से आप वंचित हो सकते हैं, मतलब आप हाथ धो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप इस बात को बस नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग की, कि क्या सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप सिलेक्टेड हैं तो क्या आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है कि नहीं होती है। नहीं फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में फॉरेन पोस्टिंग नहीं होती है। MEA में फॉरेन पोस्टिंग होती है, बट सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस जो विंग है उसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र्स के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के ऑफिस लगभग 40 सिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो आपके ट्रांसफ़र भी इन सिटी में कहीं भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके हेडक्वार्टर के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर करेंगे। बट जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बहुत से अंदर के लूप होल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। आपको पता है फ्रेंड्स, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ग्रेड पे 1900 पे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 19900 और अप्रैल 2020 यानी कि DA 21% लगा के आपकी जो सैलरी होगी वो 32500 ग्रोस के आसपास होगी। इन मेट्रो सिटीज़ और आपकी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 29,500 के आसपास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोपहर का 1 बजा है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आगे भी। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।